वेलकम टू इकरास बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डील करने जा रहे हैं ईसीजी मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट को डील किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें ताकि इसे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। ईसीजी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ अ ग्राफ। ईसीजी क्या होता है? ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है ग्राफ के फॉर्म में, उसको बोलते हैं ईसीजी। इट कैन मेजर रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट। ये रेट और रिदम ऑफ द हार्ट को भी मेजर करता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द चेंज इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो ईसीजी को मेजर करता है वो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब हम समझते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं ईसीजी के। हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो ईसीजी इसमें हेल्प करता है, इसमें ईसीजी का यूज होता है। हार्ट रिदम, अगर हार्ट रिदम में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ईसीजी यूज होता है। एबनॉर्मलिटीज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में भी ईसीजी का यूज हो रहा है। पुअर ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट अटैक में, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज, इन सब में ईसीजी का यूज होता है। अब हम देखते हैं ईसीजी होता क्या है। ईच कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस 3 डिफरेंट ईसीजी वेव। हर एक कार्डियक साइकिल 3 डिफरेंट टाइप के ईसीजी वेव को प्रोड्यूस करते हैं। वो वेव क्या क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट है पी वेव, सेकेंड है क्यू आर एस वेव एंड थर्ड है टी वेव। पी वेव क्या करता है? पी वेव आर्ट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में होता है, आर्ट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में होता है। पी वेव में आर्ट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में होता है मींस इसमें क्या होता है, कल मैंने बताया था मतलब पिछले वीडियो में कि आर्टरीज में ये आर्ट्रियम हो गया, ये हमारा हार्ट, ये वेंट्रिकल, यहाँ पे एस ए नोड था, यहाँ पे ए वी नोड। एस ए नोड क्या कर रहा था? अपने इम्पल्सिस को आर्ट्रियम में स्प्रेड कर रहा था। आर्ट्रियम में पूरी इम्पल्सिस जनरेट हो गई तो वहां से कौन कैरी करता है? ए वी नोड। तो यहाँ पे आर्ट्रियम सिस्टोलिक कंडीशन में है जब ये इसको क्या कर रहा है, सब इसमें सेंड कर रहा है, आर्ट्रियम में इसको सब भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी वेव काम कर रहा है, आर्ट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब क्यू एस आर वेव देखते हैं। QSR वेव में जो आर्ट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में था वो यहाँ पे आके आर्ट्रियल यहाँ पे डायस्टोलिक कंडीशन में हो जाता है और यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में हो जाता है। यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में होता है और T वेव में क्या होता है? T वेव में वेंट्रिकल डीप रिपोलराइज होता है, वेंट्रिकल रिपोलराइज। टी वेव में वेंट्रिकल रिपोलराइज होता है। अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा पी वेव, ये पी वेव
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आर्टेरियल सिस्टोलिक कंडीशन में है। QRS में वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन होता है जब एवी नोड इंपल्सिस को लेके और बंडल ऑफ हिज में ट्रांसफर करता है, बंडल ऑफ हिज उसे कैरी करता है और उसके बाद वर्किंजे फाइबर उसको लेके और स्प्रेड करता है वेंट्रिकल साइड में। तो यहाँ पे ये काम होता है, QRS वेव फॉर्म होता है। QRS वेव फॉर्म होता है मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में है, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में, इसलिए यहाँ पे आर्टेरियल क्या होगा, यहाँ पे आर्टेरियल डायस्टोलिक कंडीशन में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टी वेव। टी वेव पे क्या होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो रीपोलराइज होता है, वेंट्रिकल रीपोलराइज। यहाँ पे वेंट्रिकल रीपोलराइज हो रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं टाइम कितना होता है। आर्टेरियल सिस्टोलिक कंडीशन में होता है तो यहाँ पे टाइमिंग होता है 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल के लिए होता है मतलब हाँ वेंट्रिकल के लिए होता है 0.3 सेकेंड, यहाँ होता है 0.4 सेकेंड। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास टोटल कितना होता है, हमारे पास टोटल 0.8 सेकेंड होता है। एक कार्डियक साइकिल में कितने सेकेंड होते हैं, 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पे 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर किसी पेशेंट को अगर ईसीजी कराना हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके स्किन पे हर्ट के अराउंड पूरे स्किन पे इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं और उस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से अटैच करते हैं, उससे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें ये ग्राफ प्रोवाइड होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो पेशेंट है उसको क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।